विराट कोहली और रोहित शर्मा के इंग्लैंड दौरे में बिजी होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए पहली बार शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है और बीसीसीआई के इस फैसले को शिखर धवन ने सही भी साबित किया। धवन ने युवा टीम की अभी तक शानदार तरीके से अगुवाई की है। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, जबकि टी20 सीरीज में 1-0 से आगे है। धवन ने इस पूरी सीरीज में काफी अच्छी कप्तानी की है, चाहे वो खिलाड़ियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखने की बात हो या लाजवाब फील्ड प्लेसमेंट की, धवन ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। धवन की कप्तानी की तारीफ पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल ने भी की। अकमल ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा कि पहले T20 इंटरनेशनल मैच में शिखर धवन की कप्तानी काफी अच्छी रही, बॉलिंग में बदलाव और फील्ड की सजावट उन्होंने शानदार तरीके से की। धवन एकदम कूल कप्तान नजर आ रहे थे। धवन की कूल कप्तानी में मुझे महेंद्र सिंह धोनी की झलक नजर आई। धवन ने प्रेशर में अच्छे फैसले लिए, श्रीलंका को तेज शुरुआत मिलने के बावजूद वो घबराए नहीं। अकमल ने आगे कहा, 2 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बिना विकेट गवाए 20 रन था और इसके बावजूद टीम इंडिया ने 38 रन से जीत दर्ज की। इसके लिए धवन की कप्तानी को क्रेडिट मिलना चाहिए। हालांकि ये बात भी सही है कि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत को भी 2 T20 इंटरनेशनल मैच और खेलने हैं और टीम से खेल रहे युवा खिलाड़ियों के पास अच्छा मौका है कि शिखर धवन की कप्तानी में अपने दमदार खेल से सेलेक्टर्स को इम्प्रेस करें और नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बनाएं।